अगर आपका लैपटॉप बहुत जल्द ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बहुत सारे टेक्निक्स बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो। लैपटॉप ओवरहीट होने की वजह से लैपटॉप में हैंग या फिर लैपटॉप में इरोर या फिर कोई हार्डवेयर फेलियर लैपटॉप में हो सकता है। लैपटॉप ज़्यादा गर्म होने का एक बड़ा रीज़न है लैपटॉप्स का वेंट्स, जहाँ से लैपटॉप की सारी गर्मी फ़ैन की मदद से लैपटॉप से बाहर निकल जाती है। अगर आपका लैपटॉप के वेंट्स में धूल या फिर किसी टाइप्स का गंदगी इकट्ठा हो जाए वेंट्स के अंदर, तो लैपटॉप के जो गर्मी है वो बाहर नहीं आ पाती, इसलिए आपका लैपटॉप गर्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको पहले चेक करना होगा आपके लैपटॉप के वेंट्स एकदम क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर नहीं है तो आपको वेंट्स को क्लीन करना पड़ सकता है। अगर आप अपने लैपटॉप को कोई सॉफ्ट जगह पे यूज़ करते हो, जैसे कि बेड या फिर कोई पिलो, तो कई बार लैपटॉप की वेंट्स कवर्ड हो जाता है और लैपटॉप ओवरहीट हो सकता है। इसलिए लैपटॉप को कोई फ्लैट सरफेस, जैसे कि कोई टेबल या फिर कोई और फ्लैट सरफेस पे रख यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आपको अपने लैपटॉप में कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन को एक साथ क्लिक करना होगा, जिससे कि टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहे तो सर्च पे जाके अगर आप टास्क मैनेजर लिखोगे तो भी आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोसेसेस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है आपके लैपटॉप का कोई सॉफ्टवेयर ज़्यादा पावर कंज्यूम तो नहीं कर रहा है। अगर कोई सॉफ्टवेयर ज़्यादा पावर आपके लैपटॉप का कंज्यूम करता है तो सॉफ्टवेयर को आप यहीं से एंड या फिर क्लोज कर सकते हो। पावर कंजप्शन की वजह से आपके लैपटॉप पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और लैपटॉप नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको अपने लैपटॉप का कंट्रोल पैनल पे जाना है, यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे, और इसके बाद आपको पावर ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बैलेंस मोड, पावर सेवर मोड, हाई परफॉर्मेंस मोड। यहाँ पे अगर हाई परफॉर्मेंस मोड पे ऑलरेडी सेट है या फिर टिक है तो आपको इसे चेंज करके बैलेंस मोड पे सेलेक्ट करना है। और अगर आप अपने लैपटॉप की बैटरी को बचाना चाहते हो तो आप पावर सेवर मोड को भी सेट कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, सिर्फ हाई परफॉर्मेंस पे नहीं रखना ताकि लैपटॉप ज़्यादा गर्म ना हो। अच्छा, अगर आप विंडोज 10 यूज़ करते हो तो सेटिंग्स पे जाओ, अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाओ, देन ट्रबल शूट, और यहाँ पे पावर ट्रबल शूटर को रन करना पड़ेगा। अगर लैपटॉप के पावर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। आपके लैपटॉप का प्रोसेसर में एक पेस्ट लगा होता है, थर्मल पेस्ट, जो कि लैपटॉप के प्रोसेसर को ठंडा रखने में मदद करता है। अगर आपके लैपटॉप थोड़ा सा पुराना है तो चांसेस है कि आपको थर्मल पेस्ट फिर से अप्लाई करना पड़ सकता है, इसकी वजह से भी आपका लैपटॉप गर्म हो सकता है। अगर आप चाहो तो आप अपने लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड खरीद सकते हो, जो कि आपके लैपटॉप को ठंडा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। ये सब करने से नॉर्मली लैपटॉप की ओवरहीटिंग के इशू सही हो जाती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और टेक रोस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।